इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। एकादशी तिथि आज देर रात 2:29 तक रहेगी। आज दोपहर 2:29 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:33 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही आज दोपहर 3 बजे से पंचक नक्षत्र शुरू हो रहे हैं। आज पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 अप्रैल की सुबह 6:46 से अगली सुबह 5:43 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अप्रैल की शाम 5:27 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:05 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:58 तक रहेगा, और फिर आज ही दोपहर 12:13 से शाम 7:07 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अप्रैल की सुबह 6:20 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 8 अप्रैल की सुबह 6:24 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:05 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:58 तक रहेगा, और फिर आज ही दोपहर 12:13 से 2:16 तक भी रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त, हमने कल ही बताया था, शुरू हो चुका है। आज सुबह 6:05 पर शुरू हुआ था और अभी 9:58 तक रहेगा, और फिर दोपहर 12:13 से रात 9:27 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:05 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:58 तक रहेगा, और फिर आज दोपहर 12:13 से रात 9:27 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:34 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:23 से 1:58 तक। मुंबई दोपहर 12:41 से दोपहर 2:14 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:25 से दोपहर 2 बजे तक। लखनऊ दोपहर 12:09 से दोपहर 1:43 तक। भोपाल दोपहर 12:22 से दोपहर 1:56 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:39 से दोपहर 1:13 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:42 से दोपहर 2:15 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:11 से दोपहर 1:43 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल, और अब
आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोची तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज पारिवारिक जीवन में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें, भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं पर भी आज कुछ सोच विचार कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जीवन में अपने परिवार और दोस्तों और जीवन साथी की भूमिका को पहचानेंगे। आज आपके स्वभाव में संयम और धीरज बना रहेगा, जिसके कारण आप अपनी सभी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ लेंगे। कारोबार में उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन व्यापार के लिए फायदेमंद रहेगा। पुराना निवेश आज आपके काम आ सकता है। आज योजना बनाने और फैसला लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आप पूरा ध्यान अपनी जिम्मेदारियों पर रखें, हर काम जोश से पूरा करने की कोशिशें करें। आपकी कोशिशें जल्द ही रंग ला सकती हैं। अगर किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज आपकी किस्मत आपका सपोर्ट करेगी। आज आप खुले मन से बात करेंगे, साथ ही दूसरों की परेशानियों को समझने की कोशिश भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका मन नए काम करने में लगेगा। बिजनेस में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आज अपने कामकाज को पूरी सावधानी से करें, साथ ही दूसरों की हर संभव मदद भी करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर से प्यार और सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज बिना वजह विवादों में फंसने से बचें। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ऑफिस के पुराने कामकाज निपटाने की कोशिश करेंगे, जिनमें आप सफल भी रहेंगे। आज रूठे हुए साथी को मनाने के लिए उनका मनपसंद व्यंजन बना के उन्हें खिला सकते हैं। कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी काम को कल पर टालने से थोड़ा नुकसान हो सकता है, मतलब एडिशनली डिले भी ना करें, इसलिए ऐसा करने से बचें। घर पर समय दें, पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज जिससे भी मिलेंगे वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। किसी से भी बात करते समय वाणी पर संयम बनाए रखें। अपने करियर को लेकर मन में दुविधा होगी, लेकिन जल्दी ही वो सॉल्व भी हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक रहेगा। ड्राई फूड खाइए। बच्चे भाई बहन के साथ गेम्स खेलने का प्लान बनाएंगे। आज दाम्पत्य जीवन में पहले से चल रहे विवाद से राहत मिलेगी। अपने खर्चों को कंट्रोल करें, ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। खर्चों को बजट करिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका ध्यान ऑफिस के कार्यों को पूरा करने में लगा रहेगा। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आपका आत्मबल आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। सरकार से संबंधित काम करवाने के लिए आपको थोड़े धैर्य से काम लेना होगा। बच्चों की कामयाबी पर आप गर्व महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप कुछ ज़्यादा ही जोश में रहेंगे। आपके बनाए प्लान में कोई बदलाव हो सकता है। बिजनेस में कुछ नया करने की इच्छा होगी। दिल की बजाय दिमाग से काम लें। व्यापार में आर्थिक लाभ होने से कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आज परिवार वालों से गंभीर मुद्दे पर बात होगी। संगीत से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन लाभ का योग बन रहा है। समाज कल्याण की तरफ भी आज आपका रुझान रहेगा। शत्रु आपको हराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके सामने ठहर नहीं पड़ सकेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। आज अचानक आपके किसी पुराने मित्र का फोन आ सकता है। परिवार में सौहार्द बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3।
धनु राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा। आप घर वालों के साथ धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। राजनीतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। माता के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। बिजनेस में पिता को सहयोग करेंगे। खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी हो सकती है, जिससे आपका आज का दिन अच्छा रहेगा। अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखें। छात्रों के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपके अच्छे प्रदर्शन का प्रभाव आपके करियर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आज आपके व्यापार में फायदे के आसार नजर आ रहे हैं। धन लाभ से आप अपने अटके हुए काम पूरे कर सकते हैं। घर के बड़ों का आशीर्वाद आज आपके साथ रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे। कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुसार कामयाबी हासिल होगी। पारिवारिक मामलों में किसी बात को लेकर जीवन साथी से वार्तालाप हो सकती है। आज के दिन दूर की यात्रा करने से बचें। अपने स्वास्थ्य को राहत देने के लिए ये डिसीजन ठीक होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्साहपूर्ण रहेगा। आज कोई भी शुभ कार्य करेंगे। संतान के करियर के लिए मन में चिंताएं बनी रहेंगी। पूरा दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आज सोशल मीडिया पर नए लोगों के साथ संपर्क में आएंगे, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज कलावा हाथ पर बांधे और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, वो आज हरा कपड़ा दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों को जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, उसे पूरा करने में आज ही से जुट जाएंगे। मूलांक 2 जीवन साथी के साथ बाहर लंच पर जाएंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 3 आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, जिससे आज आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। मूलांक 4 कोई करीबी मित्र घर पर मिलने आ सकता है, उसको देखकर आप बहुत खुश होंगे। मूलांक 5 व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा होगा, साथ ही आपके व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। मूलांक 6 माता पिता का किसी काम में सहयोग मिलेगा, जिससे वो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। मूलांक 7 अपने लिए कुछ कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मूलांक 8 आपके मन में नए नए विचार आएंगे, साथ ही काम की कोई नई योजना भी बनाएंगे। मूलांक 9 ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, इस प्रोजेक्ट को आप सरलता से पूरा कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में लगी पक्षियों की तस्वीरों के बारे में। पक्षियों की तस्वीरें घर में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। कई लोगों को काफ़ी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु की दृष्टि से पक्षियों को बहुत शुभ माना जाता है। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही आनंदमय हो जाता है। वैसे तो आप असली के पक्षी अपने घर में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो पक्षियों की तस्वीर अथवा मूर्ति घर में रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इससे आपकी सफलता के योग बनने शुरू हो जाते हैं। पक्षियों की तस्वीर लगाने के लिए घर की पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा होता है। जो को यहाँ एक चीज़ ये बता दूं कि पिंजरे में कैद पंछी घर के मालिक की महत्वाकांक्षाओं को किल कर देता है। जिस तरह अब भाई पंछी को काम तो आकाश में उड़ना है ना, आपने उसे पिंजरे में कैद कर दिया, तो उसकी जो कैद की इच्छाएं हैं वो आपके जो आपका वास्तु है, जो सामूहिक वास्तु है आपके घर का, उसमें एक कैदी की इच्छाएं शामिल हो जाएंगी, तो आपका भी मनोबल जाहिर है धीरे धीरे गिरने। जैसे 2 गिलासों में पानी ले लीजिए, 1 गिलास में इतना, 1 में इतना, नीचे से जोड़ दीजिए, तो जिसमें कम है वो बढ़ जाएगा, जिसमें ज़्यादा है वो घट जाएगा। तो वैसे ही एक जिसकी महत्वाकांक्षाएं मर चुकी हैं, जो अब आकाश में उड़ने की आशा छोड़ चुका है, जिसके पर कतरे जा चुके हैं,
महत्वाकांक्षा का लेवल यहाँ पे, आपका गृहस्वामी का महत्वाकांक्षा लेवल ये, लेकिन जैसे ही आप दोनों को नीचे से जोड़ेंगे खट से ये नीचे आ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अब इस चिड़िया की महत्वाकांक्षा लेवल बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा लेवल गिर गई। तो घर में जीवित पक्षी पालने के पहले इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आप तस्वीरें लगाइए, स्टैचू लगाइए, प्रतीक रूप में उनको लीजिए। वास्तुशास्त्र में आज हमने जो चर्चा की तस्वीरों के, पक्षियों की तस्वीर के बारे में, उम्मीद है कि आप इस वास्तु के उपाय को अपनाकर अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दिन बुधवार है, एकादशी तिथि आज देर रात 2:29 तक रहेगी। आज दोपहर 2:29 तक साध्य योग रहेगा। साध्य योग के दौरान विद्या प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप कोई कार्य सीखना चाहते हैं तो इस योग में सीख सकते हैं। साथ ही आज देर रात 3:33 तक धनिष्ठा नक्षत्र भी रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से धनिष्ठा को 23वां नक्षत्र माना जाता है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण मकर राशि में आते हैं और आखिरी 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशि पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि इस नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान आज शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही शमी के पेड़ को कभी भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आज दोपहर 3 बजे से पंचक शुरू हो जाएंगे, जो कि 12 अप्रैल की दोपहर पहले 11:29 पर समाप्त होंगे। आप जानते हैं कि धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं। इस दौरान कुछ शुभ कार्य करने की मनाही होती है, जैसे लकड़ी इकट्ठी करना, घास इकट्ठी करना, चारपाई बनाना, खरीदना, घर में वुड वर्क कराना या दक्षिण दिशा की यात्रा बड़ी अशुभ मानी जाती। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साथियों, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं आज के दिन पाप मोचनी एकादशी की। आप जानते हैं कि हर चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, लिहाजा आज पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। वैसे तो देखो, एक बात याद दिला दें कि कृष्ण एकादशी का व्रत गृहस्थ लोग नहीं करते। अब जिनको करना है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो साल भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं, जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। एकादशी व्रत में श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने और उनके निमित्त कुछ उपाय करने से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, आपका फंसा हुआ पैसा जल्दी ही आपको वापस मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानियाँ दूर होंगी और आपके रिश्ते में फिर से मधुरता बढ़ने लगेगी। साथ ही आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज पापमोचनी एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप गृहस्थ हैं और व्रत नहीं करना है क्योंकि कृष्ण पक्ष की है तो उपाय तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर आपके बिजनेस को किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो उसके कारण बिजनेस में प्रॉफिट कम हो गया है, तो आज आप 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लीजिए। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीपादि से पूजा करें और पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के यहाँ फंस गया है और अब वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है और आप भी उससे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो ठीक है, रिलेशन होते हैं, डर लगता है कि रिलेशन ना ख़राब हो जाए, तो आज आप एक गोमती चक्र लीजिए और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदिए और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र को उस गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि वो आप व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। आज ऐसा करने से आपका रुका हुआ पैसा प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी वापस मिलेगा। और अगर आप अपने घर, ऑफिस या दुकान की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते, तो आज आप एक छोटा सा पीला कपड़ा
और 11 गोमती चक्र लीजिए। अब उस पीले कपड़े को मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें, उस पर एक एक गोमती चक्र मंत्र बोलते हुए रखते जाएं। एक गोमती चक्र पीले कपड़े पर रखें और मंत्र कहिए, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस तरह बाकी गोमती चक्र भी रखते जाइए, हर बार कहिए ओम नारायणाय नमः। अब धूप दीप आदि से विधि पूर्वक श्री विष्णु माता लक्ष्मी के और मंदिर में रख के गोमती चक्र की पूजा करें। पूजा के बाद उन गोमती चक्रों को वहीं रखा रहने दें और अगले दिन उनमें से 5 गोमती चक्र को अपने घर की तिजोरी में, 5 गोमती चक्र को अपने दुकान या ऑफिस की तिजोरी में और आखिरी बचे हुए गोमती चक्र को उसी पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दें, घर के मंदिर में, घर के मंदिर में। आज ऐसा करने से आपके घर, ऑफिस और दुकान की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो आज के दिन एक कच्चा जटा वाला नारियल और 8 बादाम लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके नौकरी में प्रमोशन के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आपके दाम्पत्य रिश्तों में परेशानी चल रही है, बात बात पर झगड़े होते रहते हैं, तो आज आप स्नान के बाद अपने घर में ही भगवान विष्णु की प्रतिमा या मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक लोटे या गिलास में जल भरकर रख लें और उसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल डाल दें। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम नारायणाय नमः का कम से कम एक माला जप करें। जाप के बाद भगवान से दोनों हाथ जोड़कर अपने रिश्ते में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और जाप के समय रखे हुए जल को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। आज ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्तों में चल रही परेशानियां समाप्त होंगी। अगर आपका जीवन साथी आपसे ठीक से बात नहीं करता, आपसे कटा कटा सा रहता है, तो आज आप एक पीपल का पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धो लें और उस पर लाल रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। श्री उसमें अंक की बिंदी लगा देंगे तो श्री लक्ष्मी बीज बन जाएगा। और अपने रिश्ते की मधुरता को बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके बीच कभी कोई अनबन न हो। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आपको लगता है कि आपका पति या आपकी पत्नी अब आपसे पहले जैसा प्यार नहीं करते या आपके रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रही, तो आज आप केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें और 20 मिनट बाद उस प्रसाद को पी लें। आज के दिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। आज ऐसा करने से आपके और आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आप दूसरों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और समाज में अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, जमाने की भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं, तो आज आप मंदिर जाकर श्री विष्णु को एक बहुत ही अच्छी खुशबू वाला इत्र अर्पित करें और अर्पित करने के बाद भगवान के चरण स्पर्श करके उसी इत्र में से थोड़ा सा इत्र अपने भी लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग ही, आपका एक अलग ही रुतबा और एक पहचान बनेगी। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, तो आज एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते पानी में बहा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। आज ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन निश्चित ही सुखद बने रहेगा। और अगर आप अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करना चाहते हैं, नकारात्मकता से दूर जाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी प्रिवेल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आज भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री विष्णु की आरती करें। आज ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। अगर आप अपने घर की सुख शांति और जीवन में तरक्की बनाए रखना चाहते हैं, तो आज एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। कहते हैं एकादशी की रात को जाकर भगवान का ध्यान करने से 1000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी, साथ ही जीवन में तरक्की भी होगी।
तो ये थी चर्चा आज पापमोचिनी एकादशी, साध्य योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक के बारे में। आज के दिन आपको विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर इनका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप कोई नए कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। B, आप अपने खान पान पर ध्यान दें जिससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। C, आप जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको जल्दी ही प्राप्त होगा। D, आज आपका सादगी भरा व्यवहार लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। E, आज किसी पड़ोसी के साथ अनबन हो सकती है इसलिए आप किसी से ज़्यादा कुछ न बोलें। F, आपको आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। G, रिश्तेदारों की आपके प्रति अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उन्हें पूरा करने में आप सक्षम होंगे। H, अगर आपका मूड खराब है तो आप मूड बदलने के लिए थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं। I, अपने विरोधियों से सावधान रहें जिससे आपका कोई नुकसान न हो। J, किसी कार्य में आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है जिसमें जीत आपकी ही होगी। K, भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट देंगे जिससे आपके बीच में प्यार और बढ़ेगा। L, छात्रों को कोई शुभ सूचना मिलने वाली है जिससे आपका मन खुश होगा। M, बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। N, घर से बाहर निकलकर खुली हवाओं में टहलना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। O, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए आज शादी के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। P, राजनीति से जुड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों को आज किसी पार्टी से जुड़ने का मौका मिलेगा। Q, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो उसका हल आज आपको मिलेगा। R, विद्यार्थियों को इधर उधर की सारी बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। S, आज दिन की शुरुआत अच्छी होगी, साथ ही परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। T, अगर आप नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आप परिवार की सहमति लीजिए। U, आप अपने पुराने समय को भूलकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी आपके साथ साथ चलेगी। V, अपनी सेहत के लिए धूल मिट्टी से बचाव के साथ ही धूप से भी बचाव करना होगा। W, जीवन साथी को खुश करने के लिए आप उन्हें कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। X, ऑफिस में आज आपको अपने कार्यों के प्रति मन को शांत रखने की जरूरत है। Y, जो लोग लेखक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। Z, आपको परिवार के किसी सदस्य से नए वस्त्र मिलेंगे जिससे आप बहुत खुश होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पवित्र नगरी पंचवटी, नासिक के पंचवटी में। नासिक जिले में पंचवटी स्थापित है। भगवान गणेश का एक बड़ा पुराना मंदिर जिसका नाम है मोदकेश्वर गणेश मंदिर, यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति को स्वयंभू बताया जाता है। यहाँ भगवान गणेश को शंभू नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने से चित्त एकदम शुद्ध और निर्मल हो जाता है। यहाँ भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक का भोग लगाया जाता है, इसी कारण से उनका नाम मोदकेश्वर भी कहा जाता है। पंचवटी आने वाले भक्तजन मोदकेश्वर भगवान के दर्शन भी अवश्य करते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 अप्रैल को चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिमली यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 2:29 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 3:16 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी कि पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः आज रात 2:29 तक आपको शिमली यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 3:16 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब
सावधान कोरोना, ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसरे विसरे पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को रोटी खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।